Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about a classification of a fungi. Aur uska ek group hum padhenge, Ascomycetes. Pichli video ke andar humne Zygomycetes ki baat ki thi. Aaj hum second group ki baat kar rahe hain. Fungi ke Ascomycetes. They are also known as sac fungi. Inhe hum sac fungi bhi kehte hain. Due to their reproductive structure, क्योंकि इनकी reproductive structure जो होती है वो sac like होती है, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको. This is the largest group of the fungi, ये सबसे बड़ा group है fungi का. 1 लाख total species होती है, उनमें से 60,000 species इस group से belong करती हैं. और वो 60,000 species में ज़्यादातर जो species होती हैं वो symbiotic association रखती हैं, यानी कि वो lichens और mycorrhiza की form में present होंगी, ठीक है जी. और कुछ उनमें से फूड के तौर पे यूज होती है, मोरल्स एंड ट्रफल्स वगैरह, और कुछ जो है वो पैथोजेंस के तौर पे, यानी कि जानदारों को डिजीजेस भी काज करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर लाइकन्स एंड माइकोराइजा, ठीक है जी. अब हम आते हैं जी इनकी रिप्रोडक्शन की तरफ, कि ये जो फंजाए हैं ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं. तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियोज के अंदर के जो भी फंजाए होते हैं उनके तीन कॉमन स्टेप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के. पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी में क्या होता है कि उनकी हाइफिस करीब आती हैं और वो फ्यूज़ होके क्या बना देती हैं, वो प्लाज्म फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, और उसे हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मोगैमी. जब उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाते हैं तो उनके अंदर मौजूद फिर न्यूक्लियस ने फ्यूज़ होना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैरियोगैमी कहते हैं. लेकिन इनके अंदर एस्कोमाइसीड्स के अंदर कैरियोगैमी जल्दी नहीं होती, वो लेट फेज ऑफ ग्रोथ फेज में होती, काफ़ी देर बाद जाके होती है. और वो न्यूक्लियस हाइफी के अंदर जो दोनों तरह के आ गए हैं वो दोनों तरह के डिवाइड होते रहते हैं, और उस हाइफी के अंदर हमें दो तरह के क्या नज़र आ रहे होते हैं, न्यूक्लियाई नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए इस हाइफी को हम क्या कहते हैं, डायक्रियाटिक हाइफी कहते हैं. तो एस्कोमाइसीट्स की हाइफी डायक्रियाटिक हाइफी होती है. फिर काफ़ी देर के बाद उनका जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है. और जब वो फ्यूज़ हो जाता है तो वो जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट बनने के बाद फिर मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी. और ये थर्ड स्टेप होता है, और मियोसिस के नतीजे में 8 स्पोर्स बनते हैं जी. 8 स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, और ये प्रोड्यूस होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, एक थैली के अंदर, और उस थैली को हम क्या कहते हैं, एस्कस कहते हैं. इस सैक लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इन्हें हम सैक फंजाई कहते हैं जी, ठीक है जी. और वो जो स्पोर्स 8 स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स कहते हैं. और कुछ जो एस्कोमाइसीड्स होते हैं, तमाम एस्कोमाइसीड्स में नहीं, कुछ एस्कोमाइसीड्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक आम आंख से नज़र आने वाली फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, यानी कि कोई हमें स्ट्रक्चर नज़र आएगी पौधे की तरह की या कोई आलू की तरह की, तो उसे हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं. और वो एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एसआई, या एक को एस्कस हम बहुत ज़्यादा एस्काई, और उनके अंदर एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. तो कुछ फंजाई के अंदर ये एस्कस बहुत ज्यादा एस्कस मिलके क्या बना देते हैं, एस्कोकार्प बना देते हैं, तमाम के अंदर नहीं, कुछ के अंदर. तो इसके बाद हम चलते हैं इसकी एक एग्जांपल की तरफ, कि इसकी एक एग्जांपल है जी हमारे पास यीस्ट. यीस्ट एस्कोमाइसीट्स की क्या है जी हमारे पास एग्जांपल है. तो यीस्ट एक यूनिक फंजाए है, ठीक है, ग्रुप ऑफ फंजाए है. इसमें यूनिसेलुलर फंजाए होते हैं, और ऐसे फंजाए हैं जिनमें कोई हाइफी नहीं होती. हमने पढ़ा कि फंजाई की एक करेक्टरिस्टिक है कि उनके अंदर हाइफी होती है, लेकिन इनके अंदर हाइफी नहीं होती. तो जो यूनिसेलुलर और नॉन हाइफल जितने भी फंजाए थे उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स से निकाल के इस ग्रुप में डाल दिया गया है एस्कोमाइसीट्स के अंदर. मोस्ट एक्सप्लॉइटेड यीस्ट जो है वो सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ये एक्सप्लॉइटेड यीस्ट है, मोस्ट कॉमन यीस्ट है, यूज होती है. इनकी इंपॉर्टेंस क्या है जी यीस्ट की, एक तो ये फर्मेंटेशन में इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं. इंडस्ट्री के अंदर क्या यूज़ है जी इनका, इनसे हम ब्रेवेज, लिक्वर, ठीक है जी, ये वाली चीज़ें बनवाते हैं. और दूसरा बायोलॉजिकल रिसर्च में भी साइंटिस्ट इन पे रिसर्च करते हैं, कि ये जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें डीएनए की स्टडी में, बायोटेक्नोलॉजी में, हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि इसको यूज़ किया जाता है. ये था जी आज का हमारा वीडियो लेक्चर. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह.